गाइस, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास बात डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, एज अ पेरेंट कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहते कि उनका बेबी बिना उनकी मदद के सो जाए। फिर मेरी ये बात सुनकर आपको लगा होगा कि इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, मैंने ट्राई किया है। जो भी चीजें मैंने ट्राई की हैं वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि बिना आपकी मदद के, बिना क्रिब के, बिना झूले के, बिना किसी चीज के आप अपने बेबी को कैसे सुला सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आती है ना दोस्तों, मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस। अगर आपको जरा सा भी इसमें डाउट लगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपने वीडियो से कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने बच्चे को आसानी से खुद ही कुछ सुला सकते हैं, वो खुद ही सो जाएगा, आपको उसमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं सेल्फ सूदिंग। हाउ टू ट्रेन योर बेबी टू सेल्फ सूद टू स्लीपिंग, उसको कैसे करें कि वो खुद को ही शांत कर ले और खुद सो जाए अपने आप। तो सेल्फ सूदिंग होता क्या है? सेल्फ सूदिंग इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज सेल्फ सूद। तो सेल्फ सूद का मतलब ये होता है कि आपका बेबी को आपकी मदद की जरूरत नहीं है सोने के लिए। जब भी मोस्टली हम देखते हैं, मोस्टली यानी ज्यादातर हम यही चीज देखते हैं कि बच्चों को पेरेंट की हेल्प चाहिए होती है सोने के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं सो पाते हैं, तो उनको पैट करके सुलाओ, या तो क्रेडल करके सुलाओ, या तो उनको झूले में डालो, या तो उन्हें फीड कराओ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे माता पिता अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हैं। और ये सेल्फ सूथ का एक फायदा ये होता है कि बच्चा रोना कम कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके सोने का टाइम हो गया, वो खुद ब खुद सो जाता है, आपको उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों को कब सेल्फ सूदिंग की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। दोस्तों, इसकी कोई स्पेसिफाई एज नहीं है, आप जब चाहे अपने बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ सूदिंग की ट्रेनिंग देना। ओके, किस एज को नहीं दे सकते? जो 3 महीने से कम के बच्चे होते हैं वो खुद का जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई उनको तो आप बिल्कुल ये ट्रेनिंग स्टार्ट ना ही करें, वो मेरी एडवाइस रहेगी। और वो इतना रिस्पांस भी नहीं कर पाते, क्योंकि 2 महीने तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, कुछ होश नहीं होता, आपको रिकग्नाइज नहीं कर पाता, वो खुद ही कुछ माहौल में खोया होता। और उस टाइम तो बच्चे को सेल्फ सूदिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्यादातर इस टाइम पे बच्चे सोते ही रहते हैं, ज्यादातर टाइम सोते हैं, 18 से 20 घंटे सोते हैं बच्चे इस टाइम पे। अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कैसे अपने बच्चे को 18 से 20 घंटे तक सुला सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 4 to 7 months बहुत अच्छा एज टाइम है बच्चों को ट्रेन करने का कि वो खुद ब खुद सोने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइमिंग होता है। इसमें बच्चों का एक तो स्लीपिंग पैटर्न हम बना रहे होते हैं, एक रूटीन सेट कर रहे होते हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सेल्फ सूदिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सेल्फ सूदिंग के बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि बेबी स्लीप लॉन्गर, मतलब आपका जो बच्चा है वो काफी लंबे टाइम तक सोता है इस टाइम पे। अगर वो खुद को सेल्फ सूद करना सीख जाता है तो आपका बच्चा बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सोता है। अगर रात में भी वो उठ भी जाता है तो अगर उसको ये चीज मालूम है कि उसको खुद ब खुद कैसे सोना है तो वो अपने आप ही सो जाता है, जिससे उसकी जो नींद है वो कंप्लीट होती है। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से शायद पता ही होगा कि अगर आपके बच्चे की नींद पूरी हो जाती है तो वो कितना एक्टिव होता है, कितना हैप्पी होता है, कितना बहुत सारी चीजों में पार्ट ले सकता है। वर्सेस अगर उसकी नींद नहीं पूरी होती तो वो कितना चिड़
चिड़चिड़ा होता है, कितना रोता रहता है, आपको भी परेशान करता है, आपको खुद को अच्छा नहीं लगता अपने बच्चे को ऐसा देख के। सो दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इनकरेज सेल्फ रिलायंस इन बेबीज, मतलब वो अगर बच्चा बचपन से ही ये चीज सीख लेता है तो उनमें जो सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ इंडिपेंडेंस सिर्फ आ जाती है कि वो खुद ही अपना काम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है उन पेरेंट्स के लिए जो जिस जगह पे दोनों मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं, उस टाइम पे उनका जो बच्चा होता है वो खुद पे इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। सो उसको किसी चीज के लिए मम्मी पापा पे रिलाय होने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके और तीसरी चीज होती है कि गिव्स मोर टाइम टू द मदर, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आफ्टर बिकम अ मदर, मदर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी बढ़ जाती है। आई नो ये बहुत ज्यादा खुशी लाता है हम लोगों की लाइफ में, बच्चे कह सकते हैं गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है, बट ये गिफ्ट साथ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आता है जो कि जिससे हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपका बच्चा खुद ही सो जाए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है कुछ और काम करने के लिए या फिर थोड़ा आराम करने के लिए कह सकते हैं, बट ये मदर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज साबित होती है। बट प्लीज 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 ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपने बच्चे को सेल्फ सूथ करना सिखा दिया, उसकी ट्रेनिंग दे दी तो वो बच्चा रोएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रोना बच्चों का जब तक वो बोलना नहीं सीखते उनका एक लौता तरीका होता है खुद को एक्सप्रेस करने का। सो वो रोएंगे तो सही, मगर जो सोते टाइम जो रोते हैं, आपके बिना नहीं सोते हैं, वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी। दूसरा है हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, मतलब ये जो चीजें जब बच्चा आपका बड़ा होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ये चीज बहुत काम आती है बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। आपका बच्चा खुद ही इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करने में भी आपका बच्चा बहुत ज्यादा सक्षम हो जाता है अगर ये चीज अगर पहले से आप फॉलो करने लग जाते हैं तो। बिकॉज उनको आपने देखा ही होगा ज्यादातर लोग, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड वीडियोस देखते हैं ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। सो ऐसे बच्चे जो पहले से इतना ट्रेन हो चुके होते हैं उनको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा पॉइंट पे आके बताती हूँ कि आपको कैसे अपने बच्चे को सेल्फ सूथ करना सिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ब्रॉडर योर माइंडसेट, मतलब सबसे पहले आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा एज अ पेरेंट, आपको खुद को रेडी रखना होगा, अपना माइंड को ब्रॉड करना होगा कि मुझे अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग देनी है। सो इस ट्रेनिंग के दरमियान आप मतलब ये चीज नहीं कर सकते, जैसे आप बच्चा रोना स्टार्ट करता है, जैसे ही रोना स्टार्ट करता है तुरंत जाके माँ बाप उसको अटेंड करने जाते हैं। आई नो किसी को नहीं पसंद होता है भाई कि उसका बच्चा रोता रहे, किसी को नहीं पसंद होता है, बट उसको थोड़ा टाइम दो बच्चे को, गिव फ्यू मिनट्स टू हिम और हर कि वो खुद को थोड़ा सा सेटल डाउन कर ले। तुरंत आप उसको करने लग जाओगे ना तो बच्चे इस टाइम, इसमें क्या होता है बच्चे बिगड़ते हैं, लोग कहते हैं ना बच्चे बिगड़ते ऐसे ही बिगड़ते हैं धीरे धीरे, कि आप एकदम से उनको अटेंड करने लग जाते हो, जरा सर आपने उसको उठा लिया, उसको थोड़ा टाइम दो खुद को संभालने का, खुद को सेल्फ उसको बिल्डअप करने का। क्यों, हम जब उसको चलाना सिखाते हैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ना तो पड़ता है ना, कि देखने के लिए कि कैसे, वरना तो चलेगा ही नहीं कभी अगर उसको हम थोड़ा छोड़ेंगे नहीं तो, है ना। तो थोड़ा आपको अपना माइंड जो है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, खुद को पहले मेंटली सेटअप करना पड़ेगा, खुद का कह सकते हैं पेशेंस रखने का तो बहुत ही जरूरत है इस चीज में। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, और पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरा है सेट अ रूटीन, मतलब बच्चे का एक रूटीन सेट करें कि कब कब उसको नैप लेनी है। नैप टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेजर इफेक्ट करता है बच्चों की लाइफ में, बच्चों के कह सकते हैं कि उनको बड़ा करने में, उनकी अच्छी पेरेंटिंग आपको साबित करने में सबसे ज्यादा काम का होता है। सेट अ रूटीन, रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है नैप टाइम का। आपको चेक करना है कि आपका बच्चा कब कब सोता है और उसके हिसाब से आपको चीजें डिवाइड करनी है उसके लाइफ में, ठीक है।
दूसरा है आपको तुरंत अपने बच्चे को, मैंने जैसा बताया, तुरंत अपने बच्चे को जाके अटेंड ना करे, तुरंत एकदम से कंफर्ट करने ना लग जाए उसे, रोया बस उठा लिया उसको गोद में ले लिया, तुरंत ना करें ये सब चीजें, इतना जरूरी नहीं है। वो थोड़ी देर में खुद को सेटल डाउन कर सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि वो बहुत देर तक रो रहा है, मतलब कुछ मिनटों के बाद भी, अगर दो मिनट के बाद भी आप देखते हैं कि एकदम से रो ही रहा है, चुप नहीं हो रहा, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि वो भूखा है। आप उसको फीड करा दें, फिर बिठा दें, फिर उसको थोड़ी देर दें कि वो खुद को सेटल कर सके, ठीक है। दूसरा है कि आप अपने बच्चों को, चौथा जो तरीका है वो ये है, आप अपने बच्चे को बेड के पास तब लेके जाएं जब वो थोड़ा सुस्त हो, एकदम सो चुका उसके बाद अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो फिर आपके ऊपर ही रिलाय रहने वाला है, वो कभी खुद सोने का जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सुस्त और थोड़ा ड्राउजी जाओ तभी उसको लेके जाए बेड के पास, ठीक है। पांचवा जो तरीका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारी मदर्स ये मिस्टेक करती ही करती हैं, मैं भी करती थी, बट जब से मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सीखा, रिसर्च किया, जाना, तब से मैंने इस चीज के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश की है कि मैं ये चीज ना करूं। सो ये है, स्टॉप फीडिंग योर बेबी ऑन स्लीपिंग। आप अपने बच्चे को सुलाने के लिए कभी भी फीड कराने का जो जरिया है उसे ना बनाएं। सारी मदर्स अपने बच्चे को सुलाने के लिए सबसे पहले जो तरीका यूज करती हैं वो होता है फीडिंग। उस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए, इससे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको दूध छुड़ाने में मुश्किल हो जाएगी आपको। पहला तो होता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, फिर धीरे धीरे होने लगता है कि अरे दूध छोड़ ही नहीं रहा। ऐसा होता है मदर्स के साथ में, हमारा बच्चा एट अ टाइम इतना हो जाता है, दो दो ढाई ढाई साल के बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते होते हैं मदर का, पर ये सब चीजें होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज का फॉलो करेंगे, क्योंकि आप कभी भी देखना, आपका बच्चा अगर आप पे रिलाय है तो ज्यादातर माए का यही होता है कि मेरा बच्चा पूरे दिन तो दूध नहीं पीता है लेकिन सोने के लिए तो उसको दूध चाहिए ही चाहिए। ये मेरी बच्ची पे भी होता ही था, जो बड़ी वाली बच्ची है उसके साथ। सो मैंने छोटी वाली बच्ची के लिए ये ट्रेनिंग स्टार्ट अभी से कर दी ताकि वो मेरे ऊपर रिलाय ना रहे और खुद को इंडिपेंडेंट बना ले। सो आपको फीडिंग तो स्टॉप करनी ही पड़ेगी। दूसरा, छठा जो तरीका है वो है पूरा का पूरा 8 दिन का ट्रायल। आपको एक ट्रायल बनाना पड़ेगा 8 डेज का। सो उसने क्या क्या करना है, पहले 1 से 4 दिन तक आपको अपने बच्चे को उसका कोई फेवरेट ब्लैंकेट या कोई भी सॉफ्ट टॉय जो उसको बहुत पसंद है वो देना है, ठीक है। उसके साथ में उसको सुलाने की कोशिश करनी है, वो उसको सूद करेगा तो सूद करेगा। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बेल ब्लैंकेट या तो सॉफ्ट टॉय जो भी आप दे रहे हैं वो अच्छे से सैनिटाइज और साफ हो तो ही आप अपने बच्चे को दें, क्योंकि वो अपने मुंह में उसको सूद करेगा जैसे आपका वो फीड करता है उस तरीके से। सो सबसे पहले ब्लैंकेट या फिर कुछ भी आप उसको दे दे में कोई सॉफ्ट टॉय। 1 से 4 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 5 से 7 दिन में आपको उसको थोड़ा टाइम देना है उसको सेट होने का, उसको कंफर्टेबल होने के लिए कि उस चीज में वो कंफर्टेबली सो जाए। 8वें दिन आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को हाथ में जाके सॉफ्ट टॉय या ब्लैंकेट नहीं देना है, आपको उसका जो क्रीब है या तो बेड है, कुछ भी है जहाँ पे भी आप अपने बच्चे को सुलाते हैं उस जगह पे ले जाके ब्लैंकेट और वो सॉफ्ट टॉय रख देना है और थोड़ी देर के लिए साइड हो जाना, देखना है आप थोड़ी देर के लिए वेट करना, आपका बच्चा खुद ब खुद वो सॉफ्ट टॉय या ब्लैंकेट खुद उठा के और उसके सारे सोने खुद लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। इसमें थोड़ा खुद को पेशेंस रखने की जरूरत होती है, थोड़ा सा बच्चा आपका परेशान भी करता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। उसके अलावा आप एक चीज कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि जेंटल बेबी सेल्फ सूदिंग, मतलब आपका जो बेबी है उसको ग्रेजुअली आप धीरे धीरे सुलाना सिखा सकते हैं। उसका तरीका बहुत अच्छा है कि आप ये मैंने अप्लाई किया था अपने बच्चे पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, तो मैंने ये चीज करी थी कि जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्लीपिंग में घेन वाली नींद, बोलते हैं ना हमने घेन चढ़ी गई आने तो गुजराती में बोलते हैं ना, सो अगर वो घेन वाली नींद में वो होता है रात के टाइम पे, तब से आप स्टार्ट कीजिए। तब आप उसको फीड की जगह पे कोई सॉफ्ट टॉय पकड़ा दीजिए
और उसको वो उस टाइम पे सो जाएगा धीरे 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 धीरे। ये चीज ग्रेजुअली ही होगी, तुरंत नहीं हो जाएगा, ये 8 दिन में नहीं हो जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 वीक जैसा लग सकता है। मेरे को 2 वीक लगा था ये चीज करने के लिए, ठीक है। तो फिर पहले इससे स्टार्ट किया, एकदम जब बहुत अच्छी नींद में हो बच्चा और उठ गया हो तो उसको फीड की जगह पे कोई सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया, वो सूत करते करते सो गया। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को उसके बाद में थोड़ा, जब थोड़ा कह सकते हैं कम स्लीप में हो, फिर उसके बाद वो ड्राउजी हो मतलब जागा हुआ हो, फिर एकदम से जब वो वेकअप हो, ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे को इस मोशन में लाके और सेट कर सकते हैं, ताकि आपका बच्चा ये चीज को अब्सॉर्ब कर जाएगा, सीख लेगा और आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे। उसके लिए कुछ टिप्स कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कोई म्यूजिकल क्रिब लेके आके रख दें, म्यूजिकल टॉयज होते हैं ना क्रिब के ऊपर, वो रख दें जिसको देखते देखते बच्चा खुद में खुश हो जाएगा। दूसरा है कि आपका जो बेड टाइमिंग है, बच्चे का जो बेड टाइमिंग है उसको कंसिस्टेंट बना दें, बच्चे का जो बेड टाइम है उसको कंसिस्टेंट बना दें, मतलब इतने ही बजे उसको सुलाना है मुझे, ये चीज आप खुद को पहले सेट कर लें, उस हिसाब से उसका टाइम टेबल सेट कर दें। दूसरा है, तीसरा टिप है कि आप एक कहते हैं ना, कह सकते हैं ना, नाइट टाइम जो है ना उसको थोड़ा रिलैक्स कर दें, जो नाइट टाइम है उसको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं एक वातावरण बना दें जिससे काम और सूद वातावरण हो, उस टाइम पे बच्चा आराम से सो सकता है, उसे थोड़ा होना चाहिए कि लाइट थोड़ी डिम कर दी, या तो बहुत घंटियों की आवाज आ रही थी सॉरी, लाइट्स थोड़ी डिम कर दें, फिर आजू बाजू का जो एटमोसफियर उसको थोड़ा शांत कर दें, ऐसे रूम में रखें उसे, फिर एसी का जो, अगर एसी है आपके घर में, कूलर है, जो भी है पंखा है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर रखें, ज्यादा ठंडा नहीं ज्यादा गर्म नहीं, ऐसी टेम्परेचर में ही बच्चों को सुलाना चाहिए। ऐसा थोड़ा एक माहौल सा बना दें, कोई बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ के अपने बच्चों को सुना दें, फिर जो सूदिंग टॉय है या तो ब्लैंकेट है वो प्रॉपर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सॉफ्ट टॉय ही लें, जैसे टीजर के अकॉर्डिंग जो टॉयज आते हैं ना टीजर्स के लिए, सॉफ्ट टॉयज बहुत सारे होते हैं मार्केट में, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को, मेरे सजेशन तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बेस्ट ही देंगे अपने बच्चे को, ये मेरा मानना है और सारे मदर फादर यही करते हैं, ठीक है। सो और इन सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस तो मदर को फादर को रखना ही पड़ता है, एज अ पेरेंट हमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत, पेशेंस हर पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, सारे पेरेंट्स को पेशेंस रखने की जरूरत है ही है। और दूसरा आप कर सकते हैं अपने बेबी का फीडिंग टाइम एंड बेड टाइम अलग अलग कर दें, डिफर कर दें उसे, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको और बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपको ये चीज उसको ट्रेन करने के लिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।